हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि CBSE क्लास 10th के रिजल्ट आ चुके हैं और अब क्लास 11th के लिए नोटिस जारी होगी। तो केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th के लिए नोटिस जारी हो गई है, लेकिन ये नोटिस केवल केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट के लिए जारी हुई है। अभी अदर केंद्रीय विद्यालय या अदर स्कूल के बच्चों के लिए नोटिस जारी नहीं हुई है, वो नोटिस बाद में आएगी। तो हम इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में कैसे एडमिशन होता है, नोटिस कैसे आती है, पहले केवी स्टूडेंट का होगा, बाद में अदर स्कूल के स्टूडेंट का कैसे एडमिशन होगा, ये पूरी जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्म कितने तरीके का आएगा, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, भर के कहाँ जमा करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी कुछ इस वीडियो में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप क्लास 11th में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th एडमिशन 2024-25 फॉर केवी स्टूडेंट, फॉर नॉन केवी स्टूडेंट। तो दोनों के लिए अलग फॉर्म आते हैं, पूरी प्रक्रिया अलग है और नॉन केवी स्टूडेंट को बहुत कम चांस भी मिलते हैं। तो इन सब की डिटेल जानकारी हम आगे देने वाले हैं। CBSE के क्लास 10th के रिजल्ट आ चुके हैं और ज़्यादातर केवी ने केवी स्टूडेंट के लिए ऑप्शन फॉर्म की नोटिस जारी कर दी है। फॉर्म को ऑफलाइन भरकर देना होगा, इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी देनी होगी। अगर स्टूडेंट के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो प्रायोरिटी कैटेगरी भी भरनी होगी, क्योंकि क्लास 11th में भी प्रायोरिटी लागू होती है। क्लास 11th के लिए दो तरह के फॉर्म आते हैं, ऑप्शन फॉर्म उसी केवी के बच्चों के लिए, इसे ऑप्शन फॉर्म कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आसपास के केवी और अन्य स्कूल के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है और इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ऑप्शन फॉर्म भी देना होता है। तो फॉर्म दो तरीके से आएंगे, एक ऑप्शन फॉर्म करके आएगा जो केवल उसी केवी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए होता है और वह फॉर्म आ चुका है। फिर दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये दूसरे केवी या दूसरे स्कूल के बच्चों के एडमिशन के लिए होता है अगर सीट खाली रहेगी तो। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आए हैं। क्लास 11 स्ट्रेंथ फॉर केवी नॉन केवी स्टूडेंट, फॉर केवी स्टूडेंट नई गाइडलाइन के अनुसार केवी स्टूडेंट के लिए क्लास 11th की एक सेक्शन के लिए क्लास स्ट्रेंथ 40 सीट निर्धारित की गई है और अब इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। फॉर नॉन केवी स्टूडेंट और नॉन केवी स्टूडेंट के लिए क्लास स्ट्रेंथ 32 सीट निर्धारित की गई है। तो नॉन केवी स्टूडेंट के लिए 32 सीट है, यानी अगर कहीं 32 से भी कम एडमिशन होते हैं तभी नॉन केवी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। फॉर केवी स्टूडेंट सभी केवी स्टूडेंट को ऑप्शन फॉर्म भरना होता है जिसमें वो अपनी स्ट्रीम चुन सकते हैं। इस फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट लगाकर केवी में जमा करना होता है। सबसे पहले केवी स्टूडेंट को ही मौका मिलता है, अगर सीट खाली रहेगी तो नॉन केवी स्टूडेंट के लिए अलग से नोटिस आएगी। तो केवी स्टूडेंट के लिए नोटिस आ गई है, चलिए हम आपको पहले नोटिस दिखाते हैं, उस नोटिस में क्या क्या जानकारी है वो दिखाते हैं और वो फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे जमा करना है, सारी जानकारी, नई जानकारी जो अभी अपडेटेड आज ही आई है उसको हम आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर और वहीं से यह जानकारी लेंगे। तो चलिए हम केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं केंद्रीय विद्यालय कैंट 1 की वेबसाइट पर। यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस फॉर क्लास 1 2024-25 आ चुकी है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक नोटिस आई है जिसमें बताया गया है कि 15 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और यह नोटिस केवल उसी केंद्रीय विद्यालय के लिए है, ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ PM3 केवी नंबर 1 दिल्ली कैंट के लिए है और यह 14 मई को आई है नोटिस। और उसके बाद 16 मई से 18 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट 18 मई है और 20 मई को लिस्ट आएगी। उसके बाद इसमें और बहुत सारी जानकारी दी गई है जिसे मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। एक और नोटिस देख लेते हैं, ये नोटिस है केंद्रीय विद्यालय बालीगंगे का है और इसमें भी क्लास 11th के बारे में बताया गया है, इस नोटिस को भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय बालीगंज का नोटिस है और यह 13 तारीख को आई थी। इसमें भी फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वह 13 तारीख से है और 14 तारीख से आप जमा कर सकते हैं और 17 तारीख 12 बजे तक फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है। मेरिट जो है वो 17 को ही आएगी और 18 से एडमिशन शुरू हो जाएगा, एडमिशन शेड्यूल है इनका। ऐसे ही नोटिस PM3 केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट ने भी जारी की है जो 14 तारीख को जारी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने भी केवल रेगुलर स्टूडेंट ऑफ PM3 केवी नंबर 1 दिल्ली कैंट के लिए जारी किया है, यानी अभी केवल ऑप्शन फॉर्म जारी हुए हैं, ऑप्शन फॉर्म ही भराए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन टू क्लास 11 साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम 2024-25 इन PM3 केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट फॉर सक्सेसफुली क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस केवी ओनली इन CBSE 2023-24 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। तो यह केवल उसी केवी के लिए जारी हो रहा है, अभी अदर केवी या अदर स्कूल के लिए जारी नहीं हो रहा है।
तो ये टाइम टेबल है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 20 तारीख से इनके यहाँ एडमिशन होगा और कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसी के आधार पर एडमिशन होगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्ट्रीम, जो सब्जेक्ट आप चुन लेंगे, उसमें फिर आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आप अपने पेरेंट के साथ आएँ और पूरी तैयारी से आएँ, सारी चीज़ें लेकर आएँ। चार नंबर में यह भी बताया जा रहा है कि 21 जून से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और अगर सीट खाली रही तो अदर के वी CBSE स्कूल अदर देन CBSE बोर्ड विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट एज पर द अवेलेबल अब वैकेंसी। अगर वैकेंसी रही तो इनके लिए अलग से नोटिस आएगी। अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म आपको कैसे भरना है वह देख लीजिए। यहाँ बच्चे की फ़ोटो लगेगी, तो बच्चे का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ लगाना है, करंट का फ़ोटो लगाना है और यहाँ बच्चे का नाम भरना है, एक एक अल्फ़ाबेट भरना है और कैपिटल लेटर में भरना है। फिर क्लास 10 बोर्ड रोल नंबर यहाँ लिखना है, एक एक डिजिट को अलग अलग लिखना है। स्कूल अटेंडेंट इन क्लास एक्स शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो भी आपका एक स्कूल है वो लिखना है, उसका शिफ्ट लिखना है। एडमिशन नंबर आपको क्लास 10th का एडमिशन नंबर लिखना है, सेक्शन बताना है कि किस सेक्शन में आप पढ़ते थे। रोल नंबर इन क्लास 10th, क्लास 10th का रोल नंबर लिखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखना है और सर्विस कैटेगरी लिखना है अगर आपके माता पिता सर्विस में हैं तो। फिर यहाँ आधार नंबर लिखना है, यहाँ पैन नंबर लिखना है यानी पैन नंबर लिखना है, यहाँ फादर का फुल नेम आएगा, उनका डिजिनेशन आएगा, यहाँ मदर का फुल नेम आएगा और यहाँ उनका डिजिनेशन आएगा। अब मदर का डिजिनेशन अगर हाउस वाइफ हैं तो आप हाउस वाइफ लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर यहाँ जेंडर चुनना है एम या एफ यानी मेल या फीमेल, फिर स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ भरना है, फिर स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी अगर है तो यहाँ भर देना है, ये वही है जो आपके केंद्रीय विद्यालय द्वारा बनाया गया होगा वो वाली ईमेल आईडी। पेरेंट का मोबाइल नंबर भरना है, अगर एक मोबाइल नंबर है तो एक ही भरना है, दो है तो दो भर देना है। पेरेंट का ईमेल आईडी भरना है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस भरना है, यहाँ पर फुल प्रेजेंट एड्रेस विथ पिन कोड भरना है और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भरना है पिन कोड के साथ। फिर आपको यहाँ नंबर देना है, नंबर देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी नंबर के आधार पे आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो यहाँ जो जो नंबर आपका बच्चा पाया है क्लास 10th के हिसाब से, उसका नंबर, उसका टोटल, फिर उसका यहाँ परसेंटेज आपको भर के देना है, अच्छे से कैलकुलेट करके भरिएगा। उसके बाद आपको क्लास 10th की मार्कशीट भी लगानी है, फिर उसके बाद कैटेगरी चुननी है, अगर आपके ऊपर कोई कैटेगरी लागू होती है तो इनमें से कोई कैटेगरी जो आपकी है उसे चुन लेना है। फिर अगर आपका बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसे चुन लेना है यानी यस या नो करना है। फिर यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर लगेगा विथ डेट, फिर यहाँ माता पिता का सिग्नेचर लगेगा विथ डेट। फिर यहाँ से आपको सब्जेक्ट और स्ट्रीम चुनना है, आप इनमें से किसी एक ग्रुप को चुन सकते हैं। जैसे साइंस में आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं, एक है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। और उसके बाद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसमें मैथ और बायोलॉजी दोनों है, इसे भी आप चुन सकते हैं। फिर इसी तरीके से इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, AI बायोलॉजी है, फिजिक्स, फिर है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, AI मैथ्स है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं और आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। तो जो आपको चुनना है उसमें से आप चुन सकते हैं। उसके बाद अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं कुछ, तो ये नीचे वाले में से यानी पेंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या योगा, तीनों में से कोई एक चुन सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, आप सोचते हैं कि मैं इसे भी लेकर चल पाऊँगा, तो आप इसे भी ले लीजिए, आपके पास ये ऑप्शन दिया जा रहा है। फिर आपको यहाँ नोट को पढ़ लेना है, फिर यहाँ आपको इस घोषणा को भी पढ़ लेना है, फिर यहाँ बच्चे को डेट के साथ साइन करना है और फिर यहाँ माता पिता को डेट के साथ साइन करना है। अब यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आप ऑप्शन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसे आपको टिक करना है। जैसे स्कैन कापी आप ऑप्शन फॉर्म ड्यूली साइन बाई पेरेंट अगर दे रहे हैं तो आप इसे टिक कर दीजिए। अगर अंडरटेकिंग बाई द पेरेंट एज इनक्लोज उसको साइन किए हैं तो उसको दे दीजिए। ये अंडरटेकिंग यही वाला है तो यहाँ लिखा हुआ है आई वी अंडरटेक दैट द अबव इन्फॉर्मेशन, तो ये तो सभी दे रहे हैं। उसके साथ अटेस्टेड डाउनलोड कॉपी ऑफ CBSE मार्कशीट यानी जो जो चीज़ आप दे रहे हैं उसे यहाँ टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ फिर से साइन करना है आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने दिया है और यहाँ माता पिता को करना है। अब ये फॉर्म कम्प्लीट हो गया, अब इसे आप जमा कर दीजिए।
ऑप्शन फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में ही विद्यालय में जाकर जमा करना है। ये पूरी जानकारी थी फॉर्म भरने की और आपके फॉर्म जमा करने की। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फॉर नेबरिंग केवी नॉन केवी स्टूडेंट, यदि सीट खाली रहेगी तो आसपास के केवी और नॉन केवी स्टूडेंट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन फॉर्म भरकर सभी डॉक्यूमेंट लगाकर केवी में जमा करेंगे और जिस स्ट्रीम में सीट खाली होगी वहाँ एडमिशन होगा। केवी स्टूडेंट और नॉन केवी स्टूडेंट की अलग अलग नोटिस आती है या एक ही नोटिस में अलग अलग डेट दिया हुआ होता है। तो इस बार अलग अलग नोटिस आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस बार एक ही नोटिस में दोनों डेट नहीं है, अभी केवल केवी स्टूडेंट के लिए आ रहा है, नॉन केवी या नेबरिंग केवी के लिए अभी नहीं आ रहा है। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू क्लास 11th, एडमिशन इन डिफरेंट स्ट्रीम विच साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज ऑफ क्लास 11th इन केवीएस विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेंड इन द क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस बार जो भी एडमिशन होंगे वो आपके क्लास 10th के जो मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पे होंगे, इसलिए अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपके चांस हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के बच्चे ही लिए जाते हैं। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय में हैं और आपके मार्क भी ठीक ठाक आए हैं तो आपका एडमिशन होना निश्चित है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।